नमस्कार, आप देख रहे हैं lallantop.com और लल्लनटॉप की चुनाव यात्रा फिलहाल मंदसौर में है। मंदसौर ज़िले की मंदसौर तहसील में ही और एक गांव है यहां पे जिसका नाम है कमालपुरा। और कमालपुरा में पिछले दिनों एक कमाल हुआ था जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। इसी साल के जून महीने में लल्लनटॉप यहां पे आया था जब यहां पे मंदसौर में हुए जो किसानों पर जो गोली चली थी पिछले साल, उसकी पहली बरसी हुई थी और हमने यहां पे अलग अलग स्टोरीज की थी, किसानों से मिले थे, यहाँ की मंडी में लहसुन पर हमने काम किया था। और तब हम कमालपुर आए थे और हमने एक किसान की कहानी आपको बताई थी जिसके पास इतना कर्ज उसके ऊपर हो गया था और इतना वो बेबस हो गया था कि उसने अपने खेत की मिट्टी निकाल करके बेच दी थी। जून महीने की बात थी, अब नवंबर महीना है, नवंबर महीना लगभग ख़त्म हो गया है, 3 दिन बचे हैं और हम दोबारा इस गाँव में आए हैं और हम उस खेत में ही खड़े हैं जहाँ की मिट्टी बेची गई थी। अगर आप थोड़ा पीछे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं चल के दिखाता हूँ आपको, अभी भी वो चार दीवारी जो खेत में उस गड्ढे से बनी थी उसके निशान दिखते हैं आपको। ये जो बाकी खेत हैं उनकी हाइट ये है, आप मेरी हाइट समझ लीजिए, 5-5.5 फीट ऊंचे हैं ये, इतनी 5 फीट मिट्टी इन्होंने खोद करके बेची थी ट्रैक्टर एक मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली के भाव से, है ना। और ये आगे तक के गया है। तो जिस किसान का ये खेत था उससे हम बात करेंगे, उनको भी हम यहाँ पर लेके आए हैं उनके खेत पर, और तब की कहानी का एक रिकैप करेंगे। रिकैप इसलिए क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जून से पहले से ये हालात थे, जून में इनकी स्टोरी लल्लनटॉप पे आती है, उससे पहले दूसरे समाचार माध्यमों पर भी आती है, और जून से लेकर नवंबर तक जबकि दोनों पार्टीज का इलेक्शन कैंपेन चलता है, भाजपा की तरफ से अपने वादे होते हैं, कांग्रेस की तरफ से किसानों के लिए अपने वादे, हम आएंगे तो भावांतर खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह, तो तब इस किसान के लिए क्या हुआ है। बस आप एक मिनट इधर 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 आ जाओ आप, ठीक। आपका नाम क्या है? हीरालाल मालवीय जी इनका नाम है। और ये कितना खेत था अपना? एक बीघा। तो अपन ने क्यों मिट्टी बेची यहाँ की? कर्जा माफ। अच्छा, कितना कर्जा था आप पे? 5 लाख। 5 लाख। और क्या भाव मिट्टी बेची आपने? 120। 120 रुपए ट्रॉली, है ना। ये इसी तरह से सीधा आदमी जिसके लिए सभ्य भाषा में शब्द बेवकूफ बनता है, मैं जिस ये काली मिट्टी है, ठीक है, इसका कहीं से कहीं तक के 120 रुपये ट्राली भाव जा नहीं सकता है, लेकिन इस किसान को इसका 120 रुपया ही मिला है, ठीक है। मोटा भाव किया था तो और मोल भाव करके गए होंगे। अच्छा, और फिर उससे आपने कितना आया था पैसा? 1,20,000। 1,20,000। तो बाकी कर्जा फिर था मान दीदा ने और गई। क्या बोले ये, किसी को भाषा आती है इनकी? दूसरे से लेके दिया। एक मिनट, दूसरे से लेके इन्हें कर्जा चुकाया बाकी पैसे। हाँ। ठीक है, आप भी इसी इन्हीं गांव के हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो आपने ट्रैक्टर भाव से बेचा, ट्रैक्टर ट्रॉली के भाव से बेचा 1,20,000 और बाकी कर्जा भी चुका। अभी माल, अभी तो फिर जिससे लेके दिया उसका बचा होगा? ये भी तो देना दिया भी तो। अच्छा, तो जब हाँ, तो जो सवाल मैंने पिछली बार पूछे थे वो दोबारा पूछता हूँ, थोड़े से आप बोर होइए, है ना, इस वीडियो में पुरानी कहानी सुन के, क्योंकि नया कुछ हुआ नहीं है इस किसान के बारे में बताने लायक। तो जो बच्चा, जब उसके पहले कौन सी फसल थी यहाँ पे मट्टी बेचने के पहले? कोई नहीं थी, खाली था, ठीक है, ठीक। तो और दूसरा वाला जो उधर घर के तरफ खेत है उसमें कितना होता है? चार पाँच। घर में कितने लोग हैं आपके? छह लोग हैं, ठीक है, 4-5 बोरी सोयाबीन साल भर का ही, बस यही है ना। तो आपको वो सब नहीं मिला क्या, भावांतर जॉब? नहीं मिला। तो आप रोज मजूरी जाते हो, 100 दिन वाला वो कार्ड बना है, जॉब कार्ड? नहीं बना। वो नहीं बना है आपका? राशन आता है आपके गाँव में? राशन तो आ, हाँ जी, एक मिनट, राशन तो मिलता है कोपिन पे, एक आदमी के लिए 4 किलो गेहूँ मिलते हैं बस। राशन है तो भाई, राशन का गाँव लेकिन काम नहीं है, ठीक है। तो आपका पिछले बार भी हमारे साथ सुमित हैं, सुमित मंदसौर से ही हैं और सुमित मीडिया से हैं, सुमित उन लोगों में है जिन्होंने सबसे पहले इस स्टोरी को टेलीविजन पे ब्रेक किया था, पहले आज तक के लिए सुमित स्टोरी। कब की बात है ये, कब आता है आज तक पे इनका किस्सा? ये 6 जून 2018 अच्छा 6 जून 2018 को ही वहाँ एयर होती है, ठीक। अच्छा, उन्हीं दिनों हम लोग आए थे तब आज तक पे चला था और उसके बाद फिर हमने इसे किया था। और इसके बाद लोकल प्रेस में और भी हुआ होगा, अखबारों वगैरह में आया होगा इनके बारे में? हाँ, उसी टाइम सबका उसी टाइम फर्स्ट टाइम ही था, मतलब इनका हमको जैसे पता चला और हमने खबर लगाई दी थी। तो आपकी स्टोरी ब्रेक होती है और उसके बाद में बाकी समाचार माध्यमों में भी चलता है। तो इतना सब इन्होंने छापा आपका, आप कोई मिलने आया आपसे घर में?
कि मट्टी बिक गई आपके यहाँ? हाँ, अधिकारी। हाँ। कौन आया था? आप आए थे। वो कह रहे हैं कि उनसे मैंने पूछा कि कोई मिलने आया, तो वो कह रहे थे कि आप ही आए हैं। सरकार से सरकारी कोई आया? नेता, कलेक्टर, तहसीलदार, कोतवाल? कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं आया। ठीक है, तो इनको भगवान के भरोसे, अगर होता जो लोग धार्मिक हैं उनके लिए मैंने कहा है कि छोड़ दिए गए। तो अभी फिर अपन ने फिर और मैं पिछले बार आया था तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी हालत थी नहीं। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि लगता नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि पीछे से एक नाला गया है, अभी बहुत रोशनी कम हो गई, हम लोग आने में लेट हुए, तो वो पानी भी आता होगा शायद। तो यहाँ इस खेत का भविष्य बड़ा, मतलब मुझे तो अधर में लग रहा था। तो आपने कैसे फिर सीधा कैसे किया इसको, गऊ लगा? जेसीबी थी। अच्छा, सुनाई आया होगा हल्का जेसीबी शब्द। इन्होंने मट्टी बेचने के बाद में और पैसे खर्च करके जेसीबी चलवाई है इस खेत में, ताकि ये गड्ढा सीधा हो, क्योंकि सरकार की तरफ से तो जो होना था वो हो चुका था, तो इन्होंने किया और अब यहाँ पे गेहूं की फसल लगाई आपने। इसके लिए पैसा किससे लिया? खंड बेच लिया, ये था वहाँ पे जी, दूसरा बेच से उधार लिए, इनसे ब्याज से पैसे उधार लेके एक साइड करवाई, रेबल करवाई इसकी। अच्छा, और ये गेहूं के लिए किससे लिए इन्होंने? दूसरे सेठ सोकर से उधार लेके उन्हें ये करवाया खड्डा। अच्छा, ये गाँव है नहीं तो ये दूसरे था वहाँ पे ली, नेतर फसल पे दई दाम एक दूसरे से लेकर उन्हें पैसे उधार लेके नहीं ये खड्डा एक तरीके करा के इतने अनाज फूका है। अच्छा, तो ये तो इसलिए, मतलब ये हमारा मध्य प्रदेश में शूट सीक्वेंस के हिसाब से आखिरी वीडियो होने वाला है। मध्य प्रदेश में चुनाव का शोर थम चुका है, अगले दिन वोटिंग होने वाली है, आज 27 तारीख है, 28 तारीख को बस आप भी जाएंगे। आप देंगे क्या वोट? वोट देंगे, ठीक है। अगले दिन ये वोट करने वाले हैं। इनकी हालत में क्या सुधार हुआ है वो हमने आपको जून से लेकर अब तक का बता दिया है। प्रचार में कितने लोग आए इनके पास में ये इन्होंने बता दिया है। स्टोरीज़ के बाद में कितने अधिकारी आ गए वो इन्होंने बता दिया है। इनके पास आए हैं बस कुछ पत्रकार जो अपनी स्टोरी ढूंढ रहे थे, और वो भी आते आते इनका गेहूँ रौंद के जाते हैं। ये हालत है, इसीलिए हम लोग बचते हैं ऐसे लोगों से ये पूछने से कि आप दीजिएगा तो वोट किसे दीजिएगा। और इसी नोट पे हम लोग अपना मध्य प्रदेश इलेक्शंस का कैंपेन ख़त्म करना चाह रहे हैं, मैं और जेरी। इसके बाद हम लोग मनोज, है ना, जो लोग पूरा नाम जानना चाहते हैं, इसके बाद हम राजस्थान जाएंगे। पहला स्टॉप हमारा वहाँ बांसवाड़ा होने वाला है और वहाँ की कई सारी कहानियाँ होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश की कहानी इस मुकाम पर ख़त्म करने की खास वजह थी। हम लोगों के रूट में नहीं था, हम लोग जानबूझ करके आए, क्योंकि पूरे स्टेट में घूमने का जो आप मोटा अनुभव यही आप निकाल सकते हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जिन्होंने राज किया है और जो राज से बाहर रहे हैं, जो लोग उनका हिसाब रखने वाले हैं, दोनों ने उन पे कितना ध्यान दिया है वो यहाँ पे आने के बाद आपको नज़र आता है। मनोज के साथ मंदसौर से मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।